गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 9 मेज़रमेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मेज़रमेंट। सो इसमें हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ये रही हमारी पेंसिल, माई पेंसिल इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इरेजर लॉन्ग। तो हम काउंट करेंगे कि हमारी पेंसिल कितने इरेजर लॉन्ग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने इरेजर्स लॉन्ग है, 7। ओके स्टूडेंट्स, सो मेजरिंग लेंथ। सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारा मार्कर है, मार्कर पेन है, और ये हमसे पूछा गया है ये कितने पिंस लॉन्ग है। तो हम काउंट करेंगे पिंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये कितना हो गया, 6 पिंस लॉन्ग हो गया। नाउ द कॉम्ब, कॉम्ब बताएंगे हम कितने पिंस लॉन्ग है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कॉम्ब हमारा क्या है, 5 पिंस लॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज द टूथ ब्रश इज 1, 2, 3, 4, 5। टूथ ब्रश हमारा कितना लॉन्ग है, 5 पिंस लॉन्ग है। तो 6 पिंस, 5 पिंस एंड 5 पिंस। ये देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया है स्टूडेंट्स। हु इज टॉलर, टॉलर मतलब लंबा। तो ये है जिराफ, ये है हमारी कैट, तो विच वन इज टॉलर, जिराफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब बॉडी पार्ट से हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेज़र करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, चेक एंड राइट द लेंथ हाइट ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा हैंड स्पैन होता है, ये हमारा पाम होता है, ये हमारा डिजिट होता है, ये क्यूबिट, दिस इज पेस, फुट स्पैन एंड आर्म स्पैन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक एंड राइट द लेंथ हाइट ऑफ द फॉलोइंग। हाइट ऑफ द प्लांट इज इन हैंड स्पैन्स, मतलब इस पूरे प्लांट की हमको हाइट बतानी है हैंड स्पैन से। तो स्टूडेंट्स, इसकी हाइट कितनी होगी, आपके घर में कोई भी पॉट होगा उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो कम से कम इसकी हाइट स्टूडेंट्स कितनी होगी, 5 हैंड स्पैन्स। हैंड स्पैन हमारा ये होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द बाइसिकल इन फुट स्पैन। फुट स्पैन ऐसे हम मेज़र करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कम से कम हमारी बाइसिकल की लेंथ कितनी होती होगी, और ये बॉडी पार्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि कोई बड़ा मेज़र कर रहा है या फिर कोई छोटा बच्चा मेज़र कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं 10 फुट स्पैन्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाइट ऑफ योर फ्रेंड इज हैंड स्पैन्स। तो हाइट हमारी, हम किसी फ्रेंड की हाइट नापनी है, ठीक है, तो कैसे नापेंगे, कम से कम हमारे फ्रेंड की हाइट हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 10 हैंड स्पैन्स है। लेंथ ऑफ द कार इन पेस, पेस ये है हमारा कि मतलब कितने कदम हमारी कार की लेंथ है। ओके, तो हम मान लेते हैं 7 पेस। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगला देख लेते हैं। मेजरिंग वेट, अब हम वेट मेज़र करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, टेक द थिंग्स दैट यू कैन होल्ड बाय यूजिंग टू फिंगर्स, थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो स्टूडेंट्स, हम थंब से और इंडेक्स फिंगर से क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, वो वाली थिंग्स को हमें इसमें टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम देख लेते हैं ऊपर हमारा क्या दिया गया है। एक हमें बैग लिए हुए है, कह रहा है माई बैग इज़ वेरी हैवी, एंड अगला कह रहा है स्टूडेंट्स माई बैग इज़ वेरी हैवी, हैवी हैवियर देन योर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और नीचे हमारा दिया गया है दोनों का बैग का वेट किया गया है। तो हमें कौन सा बैग भारी दिख रहा है,
हमें दिख रहा है ब्लू वाला, पर्पल वाला बैग हमारा ज़्यादा भारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने मेज़र करा जब दोनों के बैग को, जब हमने दोनों के बैग को मेजर करा तो फिर कौन सा बैग भारी है, ये वाला नीचे को हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये वाला बैग हमारा भारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कि हमें बताना है कि हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर से हम किस किस चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो हम बैट को पकड़ सकते हैं थंब से और इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर होती है स्टूडेंट्स हमारी ये वाली फिंगर, ओके, और थंब होता है हमारा ये, तो इसको भी नहीं पकड़ सकते, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं, कैप को भी हम पकड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज के लिए, थैंक यू।